हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी व्लॉग्स। दोस्तों मैं आज आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आज बात करने वाले हैं TVS Ntorq 125 सुपर स्क्वाड एडिशन जो कि 2021 मॉडल BS6 FI स्कूटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने है मलिक मोटर्स, नई बस्ती, अनंतनाग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नज़र पड़ती है फ्रंट में। तो फ्रंट में आपको सबसे पहले हम टायर की बात करेंगे। तो जो इसका टायर साइज़ है फ्रंट में वो है 100x80। ये आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है एंड इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगी और जो फ्रंट डिस्क डायमीटर है वो है 220 mm का। और साथ ही आपको एक सस्पेंशन मिलता है, वो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स और अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। 12 inches के अलॉय व्हील आपको मिलते हैं और इसमें एक रेड कलर का स्टिकर आपको दिखेगा जो इसको लुक एनहेंस करता है। और फिर चलते हैं ऊपर। टायर के ऊपर आपको मड फ्लैप मिलता है, जो मड गार्ड है इसका वो आपको डबल शेड में मिलेगा, ब्लैक ही होगा बट डबल शेड में, और ये आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा। और उसके ऊपर आपको DRL मिलती है, आप देख सकते हैं दो सेपरेट DRLs हैं और उनके दोनों साइड में आपको हेडलाइट मिलेगी। मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ, आप देखिए फ्रेंड्स। ये मैंने लाइट ऑन की, इसकी हेडलाइट्स है, ये भी आपको LED हेडलाइट्स मिलेंगे, बहुत ही तेज़ है ये और बहुत ही ज़बरदस्त। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे एवेंजर्स का लोगो मिलेगा एंड यहाँ पे आपको 3D एम्बलम TVS का, ये देखिए TVS का स्टिकर और सामने नंबर प्लेट की जगह। एंड यहाँ पे आपको सुपर स्क्वाड एडिशन, ये बाइक ही Ntorq 125 सुपर स्क्वाड एडिशन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आपके लेफ्ट साइड में Ntorq दिखेगा आपको लिखा हुआ, वो भी आपको 3D में ही दिखेगा। तो उसके ऊपर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट दिखेगा और यहाँ पे आपको फ्लैग, और साथ ही आपको फ्रंट में आपको हैंडल पे ही दो इंडिकेटर्स मिलेंगे, ये देखिए, ये एट ए टाइम भी चल सकते हैं जिनको वैसे हैजार्ड लाइट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं इसके मीटर की बात। मीटर में आपको इसमें सर्विस ड्यू इंडिकेटर मिलेगा, मोबाइल कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है, डिजिटल आपको स्पीडोमीटर मिलता है, आपको ऑडोमीटर जो है वो भी डिजिटल ही मिलेगा, ट्रिप मीटर आपको इसमें डिजिटल मिलता है, इसमें आपको फ्यूल गैस जो है वो भी आपको डिजिटल ही मिलेगा एंड आपको इसमें क्लॉक भी मिलती है एंड नेविगेशन भी मिलती है एंड आपको इसमें सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी मिलेगा। साथ ही आपको इसमें और साथ ही आपको मीटर पे इंडिकेटर लाइट्स भी मिलेंगी दोनों साइड से। और यहाँ पे इको और पावर, जब आप इको में चलेंगे इकोनॉमिक, उससे आपका पेट्रोल जो है बचता है, और पावर जब आप तेज़ चलते हैं तो उसमें आपकी माइलेज उतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी। तो चलते हैं इसके राइट साइड की तरफ। राइट साइड में आपको इसमें इंजन क्यूल स्विच मिलता है, आपको हैजार्ड लाइट मिलता है जिससे आपके चारों इंडिकेटर एट ए टाइम चलेंगे, और आपको वहाँ पे साथ ही आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलेगा। अब चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, ये देखिए यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच, आपके इंडिकेटर्स का स्विच, आपकी हॉर्न
यहाँ पे मिलेगी, और साथ ही यहाँ पे आपको हुक मिलता है, यहाँ पे आप कोई भी कैरी बैग वहाँ पे रख सकते हैं। और ये रहा आपका कीज़, यहाँ पे आप इग्निशन ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए बाइक को ऑन ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे आपको चाबी मिलती है। बाकी ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये आपके हैज़र्ड लाइट्स हैं, चारों इंडिकेटर्स आपके चलेंगे इससे। ये आपका एक्सेलरेटर, बाकी ये ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। ब्रेकिंग टाइप जो इसमें है वो है सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें मिलता है। बाकी आपको इसमें बहुत अच्छी स्पेस मिलती है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पीछे की तरफ चलते हैं, तो पीछे की साइड में आपको एक बड़ा सा एंटॉर्क का एक स्टिकर मिलेगा, 3D स्टिकर, साथ ही एक बड़ा सा स्टिकर है कुछ ग्राफिक्स है इसमें, 66 वकांडा फॉर एवर ये सब लिखा हुआ है। और साथ ही पीछे की तरफ आपको पिलियन राइडर के लिए जो है फुटरेस्ट मिलता है, और लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको मिलेगा, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये इसका इंजन है, इसमें आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलती है इंजन की वो 124.8 सीसी की डिस्प्लेसमेंट है। और इंजन टाइप जो है वो सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है ये। और मैक्सिमम पावर जो इसका है वो है 9.38 PS एट द रेट 7000 RPM। ये देखिए मैक्सिमम टॉर्क जो इस इंजन का है वो है 10.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 RPM। इसमें एक सिलेंडर आपको मिलेगा, साथ ही आपको इसमें दो स्टैंड मिलते हैं, एक साइड स्टैंड, एक और बीच में एक बड़ा स्टैंड है, ये देखिए दोनों स्टैंड के ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। तो दोनों सेल्फ स्टार्ट एंड किक स्टार्ट दोनों आपको इसमें मिलेंगे। और TVS का आप देख सकते हैं बड़ा सा स्टिकर इस पे इंजन पे लिखा हुआ है, TVS लिखा हुआ है इंजन पे, ये देखिए वाइट कलर में। तो अगर इसके रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको इसमें मिलता है ये कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स, ये देखिए फ्रेंड्स। और जो एंटॉर्क का रियर वाला टायर है वो है 110/80, फ्रंट वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ 100/80, ये 110/80 12 इंच के अलॉयज में आपको मिलते हैं, साथ ही एक स्टिकर भी आपको रेड कलर का मिलता है, ये देखिए फ्रेंड्स। ये भी आपको ट्यूबलेस ही मिलेगा। और पीछे की तरफ आपको दो इंडिकेटर्स मिलते हैं, इसमें आपको बल्ब का ऑप्शन ही मिलेगा, इसमें आपको LED नहीं मिलता है इंडिकेटर्स में, आपको बल्ब का ही ऑप्शन मिलेगा। एंड पीछे की जो ब्रेक लाइट है वो आपको LED ब्रेक लाइट मिलती है, जो ड्यूअल ब्रेक लाइट है आप देख सकते हैं, बीच में से लाइन खींची हुई है, दो ब्रेक लाइट्स हैं ये। और पीछे TVS का ये लोगो आप देख सकते हैं, क्रोम में लिखा हुआ है, और नीचे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट का इन्होंने जगह भी दी है, ये देखिए फ्रेंड्स। आपको पीछे की तरफ दो ग्रैबलेज मिलते हैं जिसको पिलियन राइडर पकड़ता है उसकी सेफ्टी के लिए है। और पीछे की तरफ आपको पेट्रोल टैंक मिलती है, उसके लिड पे आपको एंटॉर्क लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए फ्रेंड्स। एक बड़ी अच्छी स्पेस है। और दोस्तों फ्यूल लिड आपको कैसे खोलना है, लेफ्ट साइड की तरफ आपको कीज़ लगानी है और कीज़ को आपको लेफ्ट साइड की तरफ घुमाना है, तो उसके बाद आपका फ्यूल लिड खुल जाएगा। और राइट साइड की तरफ अगर आप कीज़ घुमाएंगे तो आपका जो है अंडर सीट कैरेज जो है वो खुल जाएगा, जिसकी टोटल है कैपेसिटी 22 लीटर्स की। और साथ ही आपको इसमें एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, ये देखिए अच्छी खासी स्पेस मिलती है आपको इसमें। तो इसमें आपको जो फ्यूल कैपेसिटी है वो आपको 5.8 लीटर्स की मिलती है। और साथ ही आपको इसमें जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज, सिटी माइलेज जो है वो 47 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम करती है, और 53.6 KMPL आपको हाईवे माइलेज मिलेगी। और बाकी इसकी कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मैं बताता हूँ, वो है मल्टी मोड डिस्प्ले, स्ट्रीट स्पोर्ट्स राइड्स स्टेटस, इनकमिंग कॉल आपको इसमें दिखेगा, मैसेजेस मिस्ड कॉल अलर्ट, नेविगेशन असिस्ट, लास्ट पार्क लोकेशन असिस्ट आपको मिलता है इसमें, ऑटो रिप्लाई SMS, राइडर ऐप, ये सब आपको इसमें एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। और अंडर सीट स्टोरेज जो इसमें आपको मिलती है वो मिलती है 22 लीटर्स की, बहुत अच्छी खासी स्पेस मिलती है आपको इसमें। और सीट्स आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है, बड़ी सीट्स है, आप इसमें तीन भी बैठ सकते हैं और दो भी बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, सीट में बहुत कुशनिंग है, तो आपको जब आप राइड पे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लंबी राइड पे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही इसमें आपको एक साइलेंसर है, ब्लैक कलर का बड़ा सा साइलेंसर है, जिसकी साउंड भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस पर दो कैप्स लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं एक पे CVTI RE लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ भी एक कैप लगी हुई है और ऊपर की तरफ भी एक कैप लगी हुई है, ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा एनहेंस हो। और सामने की तरफ थोड़ा सा आपको ये TVS रेसिंग का स्टिकर
वाइट एंड रेड में लिखा हुआ मिलेगा। तो बाइक का जो कर्व वेट है वो है 118 केजीज का, जो खाली वेट है इसका। एंड एट द एंड करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 1,03,000 से 1,05,000 डिपेंडिंग अपॉन द सिटी इसके अराउंड पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो सुपर स्क्वाड एडिशन TVS Ntorq 125cc की। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।